गाइस वेलकम टू स्टिकर्स पार्ट 2। तो यहाँ पर हम स्टिकर्स बनाने वाले हैं आज। तो जैसे कि हमने पार्ट 1 में बोला था कि हम ब्लिंकिट से बना रहे हैं, तो ब्लिंकिट के बैग से तो मैंने उसमें से फिर से कुछ कटआउट किए हैं, दिखाती हूँ। तो ये है हमारा कपकेक, ये है एवोकाडो, उसके बाद अपना ये है हमारा क्यूट सा पॉपकॉर्न, हमारे पास और भी है, वो छुपे बैठे हैं। इसके कुछ लगते हैं क्या सॉस, और ये है हमारा मिल्क का बॉटल, क्या है मुझे पता नहीं, क्या सिपर है, क्या क्या लेमन है शायद, ये सॉल्ट है कुछ समझ गया। और वो चलो पहले हम इसको कलर करेंगे, तो मैं कोशिश करने वाली कि मिल्क का बॉटल इसमें एक सिपर का। तो ये मेरा पॉस्का भी रेडी है, वो ये तो दिया है। मैं सोच रही थी कि इधर ही हमारा मिल्क होगा, मतलब मुझे वाइट वाइट पेंट कर रही हूँ वो मिल्क, और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी उसका ढक्कन, पानी लगता है ना बहुत, ढक्कन उसके बॉटल की जो क्या था ना, वो कलर हो गया हमारा, एक तो क्यूट लग रहा है हमारा सिपर, वाओ एकदम बेबी सी लग रहा है। अभी हम इसको करेंगे लेमन ग्रीन कलर, मैं लेमन को बहुत अच्छे से डिटेल्स देने वाली हूँ। तो बेसिकली फर्स्ट हम इसको पॉस्का से करेंगे, ये देखो पॉस्का से किया, उसके बाद इसके अंदर डिटेल्स करेंगे। इसके बाद हम अपने ब्रश पेन से करेंगे, ये है मेरा ब्रश पेन, मतलब इसको तुमको अच्छे से वो डिटेल्स आए, वाओ ये देखो ये अच्छे से लेमन लग रहा है, देखो बहुत डिटेल्स। तो ये हमने डिटेल ऐड किया है, ये देखो अभी ये, तो ये हमारा मिल्क का बॉटल हो गया है। उसके बाद हम इसे करेंगे, ये हमारा डबल साइडेड टेप, इस टेप को हम निकालते हैं, तो ये हमारा कलर हो चुका है, आपको लगेगा डार्क ग्रीन ब्रश में डिटेल्स करने के लिए। ये हमारा लग रहा है, अभी आपको लगेगा ये लाइट ग्रीन पॉस्का इसके अंदर के पार्ट को करने के लिए। तो फर्स्ट मैं इसको ऐसे बॉर्डर बना लूंगी, इसको कलरिंग करना स्टार्ट कर दूंगी। सो हमारा ऑलमोस्ट कलरिंग हो चुका है, ये रहा हमारा, ये हो चुका है कलरिंग। अब इसमें डिटेल ऐड करने के लिए मैं लूंगी लाइट कलर का ब्रश पेन। सो मेरे पास उसका सेम ऑक्सा कलर ब्रश नहीं है, पर ये है, तो इससे कर लेंगे हम थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड करना है, थोड़ा सा रियल लगे उसमें। ये रहा, अभी ये बहुत अच्छा रियल लग रहा है। अभी हमें लगेगा ये ब्राउन पॉस्का मार्कर, एक्टिवेट करने के बाद आपको इसको कलर करना है। अभी देखो हमारा एवोकाडो बहुत रियलिस्टिक लग रहा है, या मैं इसको डिटेल ऐड करने के लिए मेरा ये ब्राउन ब्रश पेन से पूरा डिटेल ऐड करूंगी। सो हमारा एवोकाडो का स्टिकर भी रेडी हो चुका है, बहुत रियलिस्टिक लग रहा है, और मुझे सबसे ज्यादा ये स्टिकर बहुत अच्छा लगा। सो अभी मैं इसको स्टिकर लगाने वाली हूँ, टेप लगाने वाली हूँ, इसका बड़ा लगेगा क्योंकि वो बड़ा है ना। ओके सो मैंने इतना बड़ा टेप लिया है, और इसके अंदर अप्लाई करना का, और अप्लाई करने से पहले मैं फिर से बताइए, अप्लाई करने के बाद इसको अच्छे से प्रेस करना, मतलब ना उसका उधर ही रहेगा, फिर वो निकलेगा नहीं, स्टिक नहीं होगा। और फाइनली हमारा एवोकाडो स्टिकर रेडी है, ये बहुत ही रियलिस्टिक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्टिकर। सो नेक्स्ट स्टिकर हम लेंगे ये सॉस बॉटल, और इस टाइम बहुत अच्छा कलरिंग करूँ। ओके सॉस बॉटल, अब इसको मैं कलरिंग का दिखाने वाली कि मैं एवोकाडो को दिखाती हूँ, इसको कलरिंग करके दिखाती हूँ। तो ये मेरा हो गया है केचप की बॉटल, अभी हम नेक्स्ट करने वाले हैं पॉपकॉर्न करो, चलो पॉपकॉर्न करते हैं। अभी इसके लिए मैं आपको दिखाने वाली हूँ, सो फर्स्ट रेड पॉस का एज यूजुअल, और इसको कलर करो अच्छे से आप। ओके तो ये कलर हो चुका है, ये देखो अभी इसके ऊपर येलो करना है, जो पॉपकॉर्न है ना उनको। पॉपकॉर्न भी रेडी है, और इसको डिटेलिंग ऐड करा, तो मैं डिटेलिंग ऐड करूंगी, ये मैं डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ रेड ब्रश पेन से, हो गया येलो ब्रश पेन से मैं डिटेलिंग ऐड कर दूंगी, हो गया। और इससे मैं उनको दिखाऊंगी वो सेपरेट है। फाइनली हमारा ये हो गया, अभी अभी हमने पॉपकॉर्न को भी डिटेल ऐड कर दिया, अभी इसको भी हम चिपका टेप करते हैं। तो ये रहा वो टेप, निकल नहीं रहा है, इतना बड़ा लेने वाले हैं। पॉपकॉर्न का भी हो गया है, हमारा पॉपकॉर्न का भी हो गया है, हम करने वाले हैं कपकेक का, चलो इसको कलरिंग करते हैं। हमने मेरी सोच किया कि मैं इसको इतना डिजाइन नहीं करूंगी, क्योंकि ये बहुत इसका देख सकते हैं कैसा लग रहा है, इसलिए अभी इसको सर से करते हैं, जल्दी से पिकअप करते हैं। चलो गाइस अभी हमारा सब पेंट करके हो गया, स्टिकर्स बना के हो गया स्टिकर्स, तो मुझे सबसे अच्छा एवोकाडो लगा। आपको कौन सा लगा तो मुझे कमेंट में।